बहुत बढ़िया है कि समर कैंप किया 6-7 दिन का, तो ये बच्चों के लिए कैसा रहा, थोड़ा आपका विचार लेना चाहेंगे। जी नमस्कार। समर कैंप बहुत अच्छा रहा, लिखी ईफा मैम, इनके द्वारा पहले ही हमें बताया गया कि सर मैं 1 मई 2024 से लेकर और 6 मई 2024 तक ये कैंप रखूँगी, और उसका टाइम कैसा था, और यहाँ पे बच्चे इस तरीके से इन्वॉल्व थे कि लग रहा है कि उसको अलग सा एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है पढ़ाई से हटके कुछ काम करने का, ताकि वो एक्स्ट्रा सीख पाए बच्चे। उन्हें बच्चों को बहुत मजा आया, उन्होंने कला, रंगाई, पेंट और मिट्टी कार्य खिलौने जो बनाए थे उसको रंगना, उसको सजाना, उसके बाद कहानी, उसके कविताएं, कुछ बच्चों ने कहानियां लिखी, कुछ कविताएं लिखी, कुछ बच्चे ने उसी पे कहानी की लिख के और उसको पेंट द्वारा सजाए भी, तो और बहुत सारे बच्चों ने TLM भी बनाया, उसको एक सीक्वेंस दिया कि किस तरीके से हम उसको एक सीखने के सिस्टम में ला पाए और कैसे हम पहचाने संख्याओं को, कैसे पहचान ले। ईफा मैम कहती थी सर अगर किसी बच्चे को एक परेशानी आती है कि उसकी संख्या की पहचान नहीं बन पाती, तो उस संख्या की पहचान का सिस्टम भी एक बनाया गया कि 1 by 1 इस संख्या के बाद दूसरी संख्या कैसे आती है, उसमें घट बढ़ के कैसे संख्या का नाम लेते हैं हम। एक जगह तो नाम होता है और एक जगह संख्या अपने अंकीय रूप में होता है, दोनों में अंतर, दोनों में कंपेरिजन, ये सारी चीज़ें कम समय में 6 दिनों में जो भी बच्चे सीख पाए अपने खुले मन से सीखे उन बच्चों ने। समर कैंप का यही फायदा मिला हमको। आज हमारा लास्ट दिन था और लास्ट दिन हमारे APF के बहुत सारे सहयोगी लोग आ गए जो हमारे लिए भी नए चेहरे थे, और उन्होंने भी अपने विचार रखे, बच्चे अपना प्रोग्राम दिए। यहाँ पे सरदार जी सर आए थे सीतागंज से, उन्होंने भी मैंने देखा कि एक्टिविटी बहुत अच्छी करी उन्होंने, बच्चों ने शेर और विवाह दोनों एक्टिविटी उन्होंने बहुत अच्छी करी, और बच्चों के लिए फिर सारा प्रोग्राम जयपुर रहा और इस तरीके से हमारा आज समापन हुआ।